हेलो फ्रेंड्स, फूडी कुकिंग रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोभी के कोफ्ते। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और ये जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधा किलो गोभी मैंने अच्छी तरह से धोकर वॉश करके इसे ग्रेट कर लिया है। अब देखिए, मैंने इसको एक बाउल में डालकर अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच बेसन। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मुझे बेसन कम लग रहा था तो मैंने 1 बड़ा चम्मच और बेसन का डाला है इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह से हम मैश करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च। आप जितनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हल्का सा, बिल्कुल ही हल्का सा छीटा देना पानी का, इसका एक टाइट डो बनाकर। देखिए, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर अब इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए, इसका एक टाइट डो होने के कारण देखिए इसकी बॉल्स अच्छी तरह से बन रही है। हाथ से आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसकी बॉल्स को गोलाई की शेप देनी है। आप चाहें तो लंबाई की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं गोल ही बना रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारी बॉल्स बन रही है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। इसी तरह से मैं सारी बॉल्स इसके अंदर डाल दूंगी। सारी बॉल्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सभी को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए, सारी बनकर हमारी रेडी हो चुकी हैं। आपको मैं दिखा दूँ, देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है ये। अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा, प्याज जो हमने पहले से ग्राइंड करके रखे हुए थे। मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, इन्हें मैंने धोकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। इसी तरह से हमें चलाते रहना है लगातार। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। इसी के साथ इसके अंदर डालूंगी मैं टमाटर, अदरक और लहसुन की पेस्ट। सभी को मैंने इकट्ठा ग्राइंड कर लिया था। अब इसी के साथ डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। आप मसाले अपनी जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने इसमें मिर्च कम रखी है। आप जितनी क्वांटिटी में चाहते हैं आप डाल सकते हैं इसके अंदर। हल्का सा पानी डालकर मैं इसे अच्छी तरह से
हिलाएंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन रहा है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बनाई है। देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। इसे एक अच्छी तरह से उबाल देंगे। देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय बाय।